Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Baba Bal Vigyanik Competition, इस एग्जाम के बारे में बात करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं. इस एग्जाम का इस साल का शेड्यूल आ चुका है. वो क्या है एग्जैक्टली, कब कौन से स्टेजेस होने वाले हैं, इस एग्जाम के कितने स्टेजेस हैं और डेट्स क्या हो सकती है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं. यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया है. इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन पेपर्स, कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो. वन ऑन वन ऑनलाइन सेशन लेकर मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ, तो ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए. ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से. ये एग्ज़ाम फोर स्टेज कंपटीशन में कंडक्ट होती है. फर्स्ट स्टेज होती है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है. उसके बाद सेकंड स्टेज होती है प्रैक्टिकल की. थर्ड स्टेज में आपको एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना है और फोर्थ स्टेज में इंटरव्यू होता है, जनरल इंटरव्यू और एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का इंटरव्यू. इस तरीके से चार स्टेजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव होती है इस एग्ज़ाम के लिए. तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो जो बच्चे अभी सिक्स स्टैंडर्ड में हैं और नाइन्थ स्टैंडर्ड में हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अपीयर हो जाए. देखो, क्वालिफाई करना ना करना ये अलग बात है, मगर एटलीस्ट यू शुड अपीयर फॉर एग्ज़ाम. ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए. इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें देखो आपकी जो क्यूरियासिटी होती है, आप बहुत क्यूरियस होते हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, साइंस के कंसेप्ट के बारे में आप जानना चाहते हो. फिर रूटीन लाइफ में उस तरीके के एग्जांपल्स अगर आपके सामने आते हैं तो यू बिकम वेरी हैप्पी. ये सब जो लर्निंग की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हो जब आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बदल जाता है. आपको क्वेश्चन की तरफ किस तरीके से देखना है ये पता चल जाता है. आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप समझ पाते हो, आपके वीक पॉइंट्स आपके समझ में आते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी है. अगर आप इस जर्नी के लिए जाना चाहते हो तो ज़रूर इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम के लिए अपीयर होइए. तो मैंने बताया आपको सिक्स स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं. मीडियम कौन सा भी हो आपका, इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मीडियम के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं. बस एक बात है, शुरू में एमसीक्यू पैटर्न मतलब फर्स्ट स्टेज के लिए आप जो मीडियम चूज़ करते हो उसी मीडियम को आपको कंटिन्यू रखना है. बाद में आपको कुछ चांस नहीं मिलने वाला है कि पहले तो मैंने मराठी मीडियम ले लिया अभी इंग्लिश करना है, ऐसे नहीं हो सकता. तो वंस यू चूज मराठी मीडियम यू विल हैव टू अपीयर ऑल फोर स्टेजेस इन मराठी. ठीक है, फिर देखो बोर्ड्स का भी कुछ बंधन नहीं है. आप एसएससी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड्स, आईसीएसई, आईबी या अदर स्टेट के, अदर स्टेट से भी हो, अदर स्टेट के बोर्ड से भी हो तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम. सो हर बच्चा इसके लिए जा सकता है इस एग्जाम के लिए, सिक्स स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड के. तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं अभी इस ईयर का जो शेड्यूल है 2024-25 का. ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई है. ये यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस शेयर किया है. ये एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. राइट, कमिंग टू द पॉइंट, एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एंट्री फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन जो है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप स्कूल की तरफ से कर रहे हो तो उसकी डेट्स है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक. और अगर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसकी डेट है 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक. ठीक है, मतलब आपकी स्कूल अगर इसके लिए रजिस्टर्ड है तो आप स्कूल की तरफ से जा सकते हो एग्ज़ाम के लिए, अगर नहीं है तो आप इंडिविजुअली भी रजिस्टर कर सकते हो. जब आप इंडिविजुअली रजिस्टर कर रहे हो तब आपको स्कूल की तरफ से एक लेटर अटैच करना है, मतलब कि
स्टूडेंट उस स्कूल से बिलोंग करता है, इस तरीके से बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो देखो फिर फर्स्ट लेवल की जो एग्जाम है एमसीक्यू राउंड वो होगी 3rd week of November में, तो काफी समय है प्रिपरेशन के लिए। उसका रिजल्ट आ जाएगा 3rd week of December में, मतलब एक महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद होगी प्रैक्टिकल एग्जाम, उसकी टेंटेटिव डेट्स दी गई है स्टैंडर्ड 6 के लिए 5th January और स्टैंडर्ड 9 के लिए 19th January, ठीक है। प्रैक्टिकल राउंड का रिजल्ट एक्सपेक्ट है 2nd week of February में, और उसके बाद एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है, उसका टॉपिक दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उस टॉपिक को बेस पकड़ के आपको अपना कुछ रिसर्च करना होता है ना, एक्साइटिंग? यस। तो उस एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख कर आपको मेल के थ्रू उसे सबमिट करना है, वो डेट है 9th March, एंड उसका जो इंटरव्यू और जनरल इंटरव्यू 4th stage जो है इस एग्जाम की वो हो जाएगी संडे को 16th of March, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है 6th of April को। तो इस तरीके से ये 4 stage में एग्जाम होगी, ये शेड्यूल आ चुका है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो फॉर्म्स भरना 1 जुलाई को शुरू हो रहा है, और अगर इंडिविजुअली भर रहे हो तो 1st August को शुरू हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम आपको देनी है, क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिफिकेशन ये अलग बात है, मगर एटलीस्ट यू शुड अपियर फॉर द एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम के लिए जाना ही है, राइट। और कुछ भी डिफ़िकल्टी हो डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपने देखा होगा चैनल पर इस एग्ज़ाम के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के 6th और 9th standard के, तो वो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी है, इससे रिलेटेड भी वीडियो अभी पब्लिश हो जाएगा, तो वो भी वीडियो देखिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।